नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस पार्टी के सतवास के मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण कालिया द्वारा संघ के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का अपने फेसबुक आईडी पर प्रयोग करने के कारण पुलिस थाना संयुक्तागंज द्वारा धारा 188 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें अग्रिम जमानत हेतु जिला न्यायालय इंदौर में जमानत के लिए लगाए आवेदन को आज अपर सत्र न्यायाधीश श्री जोगेंद्र सिंह साहब द्वारा ये कहते हुए खारिज करा कि एक संगठन के कार्यकर्ता की भावना आहत हुई है और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। ये कहते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें जमानत खारिज कराने के लिए 10 लोगों ने न्यायालय में आपत्ति पेश की है। सर, आज आप कुछ कांग्रेस के खिलाफ अनगढ़ंत बयान पे आज आपने आपत्ति लगाई थी, तो आज जमानत के लिए उनको याचिका लगी थी, किस तरह की खारिज हुई याचिका और क्या रिया पूरा प्रकरण? ये देखिए, एक सत्यनारायण कलिया नाम से कांग्रेस के भाई जगवाड़ा सतवास देवास जिले के मंडल अध्यक्ष हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर के एक बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक पर करी थी, जिसको इन्होंने संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता को इन्होंने गाली दी गई थी इनके द्वारा फेसबुक पर खुलेआम रूप से, जिस पर हमारी शिकायत पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्यप्रदेश ने इसकी शिकायत डीआईजी हरिनारायण चारीसर को करी थी, जिस पर इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। और इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए यहाँ इंदौर न्यायालय में आवेदन लगाया था, जिस पर हमारे द्वारा आज आपत्ति लगाई गई, भारतीय जनता युवा मोर्चा की कानूनी समिति द्वारा आपत्ति लगाई गई, वीरेंद्र सिंह जी द्वारा आपत्ति लगाई गई और अधिवक्ता परिषद के कई हमारे एडवोकेट्स के माध्यम से आपत्ति लगाई गई। तो कई लोगों ने क्योंकि देश के समाज के एक एक व्यक्ति की भावनाएं इसकी उक्त टिप्पणी से आहत हुई थी, तो न्यायालय ने प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर उक्त अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज किया है और देश के लिए एक अच्छा मिसाल ऐसे लोगों के लिए कायम की है। आपका नाम? मैं एडवोकेट भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रदेश संयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा, कानूनी समिति मध्य प्रदेश। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।